हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मैं हूं रवि। तो मेक इट इजी विद रवि में आप सबका फिर से और एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ अलग तरह से और ड्राइंग लेकर आए हैं आप सबके लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं पहले पेस्टल कलर यूज़ किया, उसके बाद स्टेप बाई स्टेप अलग अलग कलर से उसको फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा कलर आप देख पा रहे हो, मैं फील कर रहा हूँ। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख पा रहे हो, मैं अलग अलग स्टेप बाय स्टेप अलग कलर से उसको पेज को टोटली फील किया हूँ। और उसके बाद एक कॉटन जो आती है, कॉटन कपड़ा से मैं उसे मिक्स कर रहा हूँ। मिक्स करने से थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगता है फ्रेंड्स देखने में। मैं कुछ क्लाउड का इफेक्ट दे रहा हूँ फ्रेंड्स अपने ड्राइंग में। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं एक पेपर के सहारा क्लाउड का इफेक्ट दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जिस जगह पे डार्क स्काई कलर है, वहाँ पे लाइट कलर से मैं कलर इफेक्ट दिया, और जिस जगह पे लाइट स्काई है वहाँ पे डार्क कलर से मैं बादल का इफेक्ट दिया। और उसके बाद कुछ नीचे की ओर घास ड्रॉ करके उसके बाद उस पर कलर फील कर रहा हूँ फ्रेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं डार्क कलर लाइट से डार्क कलर फील किया हूँ फ्रेंड्स ग्रास बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ कि किस तरह से एक पेड़ हो। तो मैं एक पेड़ का ड्राइंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। तो मेरा पेड़ का ड्राइंग फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुकी है। और एक झूला बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें एक लड़की बैठी हुई है। तो मैं वो जो लड़की बैठी हुई है उसका ड्राइंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, मेरा कंप्लीट हो चुका है ड्राइंग, और मैं उसे कुछ डार्क कलर से फील कर रहा हूँ। आप भी अपने घर पे इस तरह से पेंटिंग कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मेरा कलर धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट होने के बाद जिस झूला पे बैठा हुआ उसको मैं जो रस्सी है उसे ब्रश का जो एक टोन में ही उसकी कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं वन टोन में ही कलर को कंप्लीट कर रहा हूँ। ध्यान रहे फ्रेंड्स, किसी भी तरह का जो बिल्कुल जो पतला वाली लाइन है वो बारीकी से देना पड़ता है, ताकि देखने में खूबसूरत लगे। और कुछ पत्ते हैं जो झूले के रस्सी में समाये हुए हैं, तो उसे भी मैं कुछ डेकोरेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि जो मेरा झूला है वो देखने में खूबसूरत लगे। एंड देन कंप्लीट होने के बाद जो चंद्रमा का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो मेरे जो लाइट है, जैसे पेड़ के डाल पे, पत्ते पे, और जो झूला में बैठी हुई एक लड़की उसके ऊपर रोशनी पड़ रहा है, तो उसका हाईलाइट जो है मैं वाइटनर से दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। कुछ डॉट डॉट देते रहे फ्रेंड्स व्हाइट कलर का, जैसे मानो कि स्टार्स वगैरह बादलों में दिख रही है। कुछ ग्रास पे इफेक्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। तो आप भी अपने घर पे इस तरह का ड्राइंग कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हो। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको इन्फॉर्म करता हूँ, कुछ छोटे छोटे बटरफ्लाई मैं ड्राइंग किया हूँ फ्रेंड्स, ताकि मेरी पेंटिंग और भी खूबसूरत दिखे। तो फ्रेंड्स, मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है।
आप भी अपने घर पे इस तरह का ड्राइंग कर सकते हो। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, जैसे क्राफ्ट बनाते वक्त या प्रोजेक्ट बनाते वक्त, स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप मुझे संग कॉल कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा फ्रेंड्स ड्राइंग जो है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये जो पेस्टल ड्राइंग जो है आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। Thanks for watching my videos, friends. मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।